गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू न चैप्टर फॉर अ ग्रीनर टुमारो। इन दिस स्टोरी रस्किन बॉन्ड राइट्स अबाउट थ्री जनरेशंस ऑफ ए फैमिली दैट लव्ड एंड केयर्ड फॉर ट्रीज। इस कहानी में हम रस्किन बॉन्ड के बारे में बात करेंगे जिन्होंने लिखा है कि किस तरीके से एक परिवार की तीन जनरेशंस जो पेड़ों को प्यार करती है और उनकी देखभाल करती है। कोकी एंड हर ग्रैंडमदर वर सिटिंग ऑन ए स्ट्रिंग कॉट इन द शेड ऑफ एन ओल्ड जैकफ्रूट ट्री। कोकी और उसकी दादी माँ जो एक चारपाई पे बैठे हुए थे पुराने कटहल के पेड़ के शेड में। ग्रैंडमदर वॉज टॉकिंग अबाउट हर फादर एंड हिज ग्रेट लव फॉर ट्रीज एंड फ्लावर्स। तो जो दादी माँ थी वो बता रही थी अपने फादर के बारे में, उनका जो प्यार था पेड़ों के लिए और फूलों के लिए। ग्रैंडमदर सेड, ग्रैंडमदर ने कहा, आई वॉज नेवर एबल टू गेट ओवर द फीलिंग दैट प्लांट्स एंड ट्रीज लव्ड माई फादर विद एज मच टेंडरनेस एज ही लव्ड देम। कि मैं कभी भी इस बात को नहीं महसूस कर पाई कि प्लांट और जो पेड़ थे उनका मेरे पिता के प्रति प्यार और मेरे पिता का उनके प्रति प्यार कितना गहरा था। आई वॉज सिटिंग बिसाइड हिम ऑन द बरांडा स्टेप्स वन मॉर्निंग। उन्होंने कहा, मैं एक बार की बात थी एक सुबह जब मैं अपने पिता के साथ में बरांडे की जो सीढ़ी थी उन पर बैठी हुई थी। व्हेन आई नोटिस, जब मैंने नोटिस किया कि द ट्रेंडल ऑफ ए क्रीपिंग वाइन दैट वॉज ट्रेलिंग नियर माई फीट। कि मैंने नोटिस किया जो वाइन थी यानी जो बेल थी वो धीरे धीरे रेंग रही थी मेरे पैर के पास में। एज वी सैट देयर इन द सॉफ्ट विंटर सनशाइन, जैसे कि हम लोग ठंड होने पर सूरज की रोशनी में बैठ जाते थे। आई सॉ द ट्रेंडल मूविंग वेरी स्लोली अवे फ्रॉम मी एंड टूवर्ड्स माई फादर। तब मैंने देखा कि जो बेल की जो टहनियाँ थीं वो धीरे धीरे मुझसे दूर हो रही थी और मेरे पिता की तरफ जा रही थी। 20 मिनट बाद में इट हैड क्रॉस द बरांडा स्टेप्स। 20 मिनट बाद में उन्होंने उस बेल ने जो बरांडा का पूरा स्टेप्स था उसको पार कर लिया एंड वॉज टचिंग माई फादर्स फीट, और टच करते हुए मेरे पिता के पैरों में पहुंच गई। देयर इज प्रोबेबली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर द प्लांट्स बिहेवियर। तो शायद एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होगा प्लांट के बिहेवियर के लिए। समथिंग टू डू विद लाइट एंड वार्म्थ, जो किया गया है कुछ रोशनी या गर्मी में। बट आई लाइक टू थिंक, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा ये कहना कि इट मूव सिंपली, ये साधारण तरीके से हुआ। बिकॉज इट वॉज फॉन्ड ऑफ माई फादर, क्योंकि ये शौक था मेरे पिता का। वन फेल्ट लाइक ड्रॉइंग क्लोज टू हिम, कि जो एक क्लोज रिलेशन था उनका, यानी कोई भी ये बात सोच सकता था कि उनका आपसी में एक क्लोज रिलेशन था। समटाइम्स व्हेन आई सैट अलोन बीनीथ अ ट्री, कई बार जब मैं अकेली बैठती थी पेड़ के नीचे, आई वुड फील ए लिटिल लोनली और लॉस्ट। कई बार मुझे अकेलापन या मैं खोई खोई रहती थी। बट एज सून एज माई फादर ज्वाइन मी, लेकिन जैसे ही मेरे पिता ज्वाइन हो जाते थे, द गार्डन वुड बिकम ए हैप्पी प्लेस, द ट्री इटसेल्फ मोर फ्रेंडली। तो मुझे जो यहाँ नज़र आता था कि मेरे पिता जब ज्वाइन हो जाते थे तो गार्डन मेरे लिए पूरी तरीके से कैसा हो जाता था, एक हैप्पी प्लेस बन जाता था। और कहीं ना कहीं जो पेड़ थे वो पूरे और जो पेड़ थे वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते थे। योर ग्रेट ग्रैंड फादर हैड सर्व मैनी ईयर्स इन द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंड सो इट वॉज नेचुरल दैट ही शुड नो। आपके जो ग्रैंड फादर थे उन्होंने बहुत समय सेवा करी थी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, और ये शायद नेचुरल था कि जितना वो ज़्यादा जानते थे, समझते थे एंड लाइक ट्रीज और पेड़ों को पसंद करते थे। ऑन हिज रिटायरमेंट ही बिल्ट दिस बंगलो, अपने रिटायरमेंट के समय में उन्होंने यही बंगला बनाया था यहीं पर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन, यानी बिल्कुल शहर से बाहरी इलाके में। प्लांटिंग द ट्रीज, पेड़ लगाए दैट यू सी अराउंड इट्स नाउ टाइम्स, और जो तो इस समय अपने आसपास देख पा रही हो, मैंगोज, ऑरेंजेस, गुआवा, जैकार्डा, लेबरनम एंड द पर्सियन लिली। तो उन्होंने बताया कि ये सारे के सारे प्लांट्स वगैरह जो अपने आसपास देख रही है ये सब उन्हीं के लगाए गए हैं। इन अवर वैली गिवन द चांस, हमारी घाटी में ये मौका दिया गया, प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, कि प्लांट्स और जो पेड़ हैं वो अच्छे से लंबे लंबे ग्रो हो सकें और मजबूत हो सकें। ऑफ कोर्स देयर वर अदर ट्रीज हेयर बिफोर द हाउसेज वॉज बिल्ट, बिल्कुल यहाँ पर पहले और भी बहुत सारे पेड़ थे जो यहाँ घर बनने से पहले थे, इंक्लूडिंग एन ओल्ड पीपल, और एक पुराना पीपल का पेड़ भी था, विच हैज़ फोर्स्ड इट्स वे थ्रू द वॉल्स ऑफ एन ओल्ड, जो मतलब प्रेशर डालता था उस पुराने खाली पड़े हुए टेम्पल था उसको तोड़ते हुए। नॉकिंग द ब्रिक्स डाउन विद इस विगोरस ग्रोथ, ईंटों को तोड़ रहा था इतनी अपनी पावरफुल ग्रोथ से। पीपल ट्रीज आर ग्रेट शो ऑफ, जो पीपल ट्री था उसकी बहुत पावर थी। इवन व्हेन देयर इज नो ब्रीज देयर ब्रॉड चेस्टेड स्लिम वेस्टेड लीव्स विल स्पिन लाइक टॉक, यहाँ तक कि जब हवा ही नहीं चलती थी तो उसके जो पत्ते थे
इतने वो, तो ये लट्टू के समान घूमते रहते थे, डिटरमाइंड टू अट्रैक्ट योर अटेंशन एंड इनवाइट यू इनटू द शेड, और ये इस तरीके से अट्रैक्ट करते थे आपके ध्यान को कि मतलब कर सकते हैं कि आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आ जाओ उनकी छाया में बैठो। व्हाट हैपन टू द टेम्पल, मंदिर का क्या हुआ, आस्क कोकी, कोकी ने पूछा। वेल माई मदर वॉन्टेड द पीपल, कि मेरी मदर जो थी वो ये चाहती थी कि पीपल ट्री कट डाउन, कि पीपल का जो पेड़ है वो कट जाए। बट माई मदर सेड, लेकिन मेरी मदर फादर ने कहा ही वुड सेव बोथ द ट्री एंड द टेम्पल, कि वो दोनों को ही बचाएंगे, पेड़ को भी और मंदिर को भी। सो ही रीबिल्ड द टेम्पल अराउंड द ट्री, इसलिए उन्होंने एक टेम्पल के चारों ओर जो टेम्पल जो है वो पेड़ के चारों ओर ही बनाया। एंड देयर इट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल, और ये था पेड़ की दूसरी तरफ, दीवाल के दूसरी तरफ पे। द ट्री प्रोटेक्ट्स द टेम्पल एंड द टेम्पल प्रोटेक्ट द ट्री, पेड़ ने मंदिर को बचाया और मंदिर ने पेड़ को। पीपल फ्रॉम दीज पार्ट्स, जो लोग थे इन हिस्सों से, फील्स देयर इज ए फ्रेंडली ट्री स्पिरिट ड्वेलिंग देयर, कि लोग ये महसूस करते थे कि यहाँ पर एक फ्रेंडली एक भावना है पेड़ और मंदिर के प्रति। एंड दे ब्रिंग ऑफरिंग्स ऑफ फ्लावर्स एंड लीव देम एट द बेस ऑफ द ट्री, फिर वो अपने हाथ में फ्लावर्स वगैरह लेकर आते थे भेंट के रूप में और उनको पेड़ के बेस में छोड़ जाते थे। डिड यू नो, क्या तुम जानती हो कि दैट आई यूज टू क्लाइम ट्रीज व्हेन आई वाज अ यंग, कि मैं पेड़ पर भी चढ़ जाया करती थी जब मैं छोटी थी। दिस जैकफ्रूट ट्री वाज माय फेवरेट, और ये जो कटहल का पेड़ है ये मेरा फेवरेट था। इट इज़ क्वाइट इजी टू क्लाइम, ये बहुत आसान है इस पर चढ़ना। यू क्लाइम इट टू, तुम भी चढ़ सकती हो, डोंट यू, लेकिन अभी मत चढ़ो। अनदर गुड ट्री वॉज द बैनियन बिहाइंड द हाउस, एक दूसरा पेड़ था बरगद का घर के पीछे। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेज, इसकी ब्रांचेज फैल रही थी। विच हंग टू द ग्राउंड, जो ग्राउंड तक लटकी हुई थी। एंड टुक रूट अगेन, और दोबारा से रूट का निर्माण कर रही थी। फॉर्मड ए नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेज वेज, और एक बहुत सारे मुड़ावदार रास्ते बना रही थी। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, जो पेड़ था वो बहुत पुराना था घर से। ओल्डर देन माई ग्रैंड पेरेंट्स, यहाँ तक कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की एज से भी ज़्यादा उसकी एज थी। आई कुड हाइड इन इट्स ब्रांचेज, हमें इसकी ब्रांचेज में भी छुप जा सकती थी, बिहाइंड छुप जाती थी बिहाइंड ए स्क्रीन ऑफ थिक ग्रीन लीव्स, जो इतने बड़े बड़े पत्ते थे हरे कलर के उनके पीछे। एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड ग्लो, और संसार को एक जासूस के रूप में देखती थी, जासूसी रूप में। यस, फिर भी द बैनियन ट्री वॉज ए वर्ल्ड इन इटसेल्फ, और जो बरगद का पेड़ था वो भी एक संसार है अपने आप में। पॉपुलेटेड विद स्मॉल एनिमल्स एंड लार्ज इंसेक्ट, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे जानवर, छोटे छोटे इंसेक्ट रहते हैं। वाइल द लीव्स वर स्टिल पिंक एंड टेंडर, फिर भी जो उसके पत्ते हैं वो पिंक और शानदार रहते हैं। दे वुड बी विजिटेड बाई द डेलीकेट मैप बटरफ्लाई, तो यहाँ पर उन इस पेड़ पर हमेशा विजिट करने आती थी बटरफ्लाई। हु लेफ्ट हर एग्स टू देयर केयर, जो अपने अंडों को यहाँ पर छोड़कर जाती थी। द हनी ऑन द लीव्स इज स्वीट, तो जो शहद होता था इन पत्तों से, स्टिकी स्मेल ऑल्सो अट्रैक्ट द लिटिल स्क्वायरल्स, तो कहीं ना कहीं वो एक चुपचुपा सा जो शहद था मीठा सा, वो अट्रैक्ट करता था स्क्वायरल्स को अपनी ओर आने के लिए। हु सून ग्रू यूज टू हैविंग मी इन दैट ट्री, लेकिन ये जो पेड़ था जल्दी ही मेरा आदि हो गया। दे बिकेम क्वाइट ओल्ड, वो बूढ़ा हो चुका था। एक्सपेक्टिंग फूड फ्रॉम माई हैंड वेल, और स्वीकार करता था खाने को मेरे हाथों से। द बैनन हैज़ लॉन्ग सिंस गॉन, बरगद काफ़ी पुराना हो चुका था। इट केम डाउन इन स्टॉर्म एरियल रूट्स एंड ऑल, तो कहीं ना कहीं एक तूफान में ये फंस गया और इसकी जो एरियल जो इसकी रूट्स वगैरह थी वो सारी की सारी इसके अंडर आ गई। फादर प्लांटेड अनदर, तो पिता ने दूसरा प्लांट लगाया। बट एज यू कैन सी, जैसा आप देख सकते हो, इट इज़ स्टिल क्वाइट ए यंग ट्री, अभी ये यंग है। द वैनन टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू ग्रो, बरगद के पेड़ को बहुत लंबा समय लगता है ग्रो करने में। योर ग्रेट ग्रैंड फादर वॉज नॉट कंटेंट विथ प्लांटिंग ट्रीज इन द गार्डन और नियर द हाउस, आपके दादाजी जो थे वो इतने इच्छुक नहीं थे पेड़ वगैरह लगाने के कि गार्डन में या फिर कहीं अपने घर के आसपास। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के समय में ही वुड वॉक इन टू द स्क्रब लैंड, कि मानसून के समय वो पैदल चढ़कर उस जगह पर जाते थे। एंड बियॉन्ड द रिवर बेड, यानी नदी किनारों से दूर। आर्म्ड विद कटलिंग्स एंड सैपलिंग एंड ही वुड प्लांट देम आउट देयर, अपने हाथों में कटलिंग्स सैपलिंग्स वगैरह इन सबको लेकर जाते उन्हें प्लांट लगाने के लिए। होपिंग टू क्रिएट ए फॉरेस्ट, इस उम्मीद में कि वो एक फॉरेस्ट बना सकें। बट ग्रेजिंग कैटल ऑलवेज फिनिश देम ऑफ, लेकिन जो ग्रेजिंग कैटल होते थे, जानवर जो चरने वाले होते थे, वो हमेशा उन्हें खा जाते थे। नो वन एवर गोज देयर, कोई भी वहाँ नहीं जाता था। आई सेड, मैंने कहा, हु विल सी योर फॉरेस्ट, तो बताइए फिर आपकी फॉरेस्ट कौन देखेगा। भाई आप ऐसी जगह अगर प्लांट लगाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा। वी आर नॉट प्लांटिंग इट फॉर पीपल टू सी, तो वो कहते थे कि मैं ये जो प्लांट है इसलिए नहीं लगा रहा हूँ लोगों को देखने के लिए। सेड माई फादर, मेरे पिता कहते थे, वी आर प्लांटिंग इट फॉर द अर्थ, मैं ये प्लांट लगा रहा हूँ अपनी धरती के लिए। फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के लिए। एंड एनिमल्स, जानवरों के लिए। हु लिव ऑन इट, जो इस पर रहते हैं। नीड मोर फूड एंड शेल्टर, और जिनको बहुत सारे खाने की और छाया की जरूरत होती है। फादर टोल्ड मी, पिता ने मेरे से कहा, वाई मैन काइंड, इंसानी क्यों। एंड नॉट ओनली वाइल्ड क्रिएचर्स नीड ट्रीज फॉर कीपिंग द डेजर्ट अवे,
भाई जानवर इंसानों को ही क्यों, जंगली जानवरों को भी तो ज़रूरत होती है किसी पेड़ों की, कि ताकि वो जो डेजर्ट्स है उससे दूर रह सकें, यानी बंजर है उससे दूर रह सकें, फॉर अट्रैक्टिंग रेन, बारिश को अट्रैक्ट करने के लिए, फॉर प्रिवेंटिंग द बैंक्स ऑफ रिवर्स फ्रॉम वॉश्ड अवे, ताकि जो नदियों के किनारे होते हैं वो पानी से धुले ना, एवरीवेयर पीपल आर कटिंग डाउन ट्रीज विदाउट प्लांटिंग न्यू वंस, हर कोई चारों तरफ प्लांट लगा रहा है और प्लांटों को कट कर रहा है नए बिना लगाए हुए, इफ़ दिस कंटिन्यूज, अगर ऐसा ही चलता रहा तो देन वन डे देयर विल बी नो फॉरेस्ट, कोई भी फॉरेस्ट नहीं बचेगा एट ऑल, एंड द वर्ल्ड विल बिकम वन ग्रेट डेजर्ट, और जो पूरा संसार है वो एक बहुत बड़ा रेगिस्तान बन जाएगा, द थॉट ऑफ ए वर्ल्ड विदाउट ट्रीज बिकम ए शॉर्ट ऑफ नाइटमेयर, तो ये जो सपना है विचार है संसार को बिना पेड़ के देखने महसूस करने का, वो एक बुरे सपने के जैसा है मेरे लिए, इट इज़ वन रीजन, यही एक कारण है, वाई आई शैल नेवर वॉन्ट टू लिव ऑन ए ट्रीलेस मून, और इसी वजह से मैं इस प्रकार के प्लानेट पर, इस प्रकार की जगह पर नहीं रहना चाहता जहाँ पर कोई भी एक प्लांट नहीं है, आई हेल्प माई फादर इन दिस इन हिज ट्री प्लांटिंग विद इवन ग्रेटर एंथ्यूज, मैंने अपने पिता की बहुत मदद करी इस प्लांट वगैरह को लगाने के लिए पूरी एनर्जी के साथ में, वन डे द ट्रीज विल मूव अगेन ही सेड, एक दिन फिर से पेड़ जो होते मूव करने लगेंगे, उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये पेड़ मूव करेंगे, मूव करने का यह मतलब है कि इनकी पैदावार अच्छी होगी, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 20 पेड़ अपने आप लग जाएंगे, दे हैव बीन स्टैंडिंग स्टिल फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, अब वो यहाँ लंबे समय तक मतलब खड़े हैं भाई, ये पेड़ जो है इतने सालों से खड़े हुए हैं, बट वन डे दे विल मूव अगेन, लेकिन फिर से ये मूव करेंगे, देयर वॉज ए टाइम वेन ट्रीज कुड वॉक अबाउट लाइक पीपल, उन्होंने कहा एक ऐसा भी समय था जब पेड़ इंसानों की तरह मूव कर सकते थे, देन अलोंग केम ए टेरिबल डिमोन एंड कास्ट ए स्पेल ओवर देम, तभी अचानक से एक बहुत बड़ा एक राक्षस आया जिसने इसको अपने अंडर ले लिया, रूटिंग देम टू वन प्लेस, जिसने इनको उखाड़ दिया एक जगह से, बट दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू मूव, लेकिन वो हमेशा से मूव करने की कोशिश करते रहे, सी देखो हाउ दे रीच आउट विद देयर आर्म्स, की किस तरीके से उन्होंने अपने हाथ फैला लिए, ऑन वन ऑफ आवर वॉक्स अलोंग द रिवर बैंक अबाउट ए माइल अप स्ट्रीम फ्रॉम हियर, तो उन्होंने कहा कि हम लोग चलकर नदी किनारे से लगभग मीलों दूर हम यहाँ से पहुँच चुके आ चुके थे, वी फाउंड एन आइलैंड, तभी हमें एक आइलैंड मिला, ए स्मॉल रॉकी आइलैंड इन द मिडल ऑफ द रिवर बोर्ड, एक छोटा सा रॉकी आइलैंड जो रिवर बेड के बीच में था, यू नो तुम जानती हो कि दैट रिवर बेड इज़ लाइक ड्राई ड्यूरिंग समर, कि ये जो रिवर बेड है ये गर्मियों के समय में बिल्कुल सूख जाता है, बट फ्लडेड ड्यूरिंग द मानसून, लेकिन जब बारिश आती है तो पूरी बाढ़ आ जाती है, अ यंग टैमरिंड ट्री वॉज ग्रोइंग इन द मिडिल ऑफ द आइलैंड, एक छोटा सा टैमरिंड पेड़ था जो यहाँ पर ग्रो कर रहा था आइलैंड के बीच में, एंड माई फादर सेड, तो मेरे पिता ने कहा इफ़ ए टैमरिंड कैन ग्रो हेयर, अगर एक इमली का पेड़ यहाँ ग्रो कर सकता है तो सो कैन अदर ट्रीज, तो फिर दूसरे भी कर सकते हैं, एज सून एज द मानसून अराइव्ड, जैसे जल्द से जल्द फिर मानसून आ गए, एंड वाइल द रिवर कुड स्टिल बी क्रॉस्ड, और फिर नदी को भी पार करना था, वी सेट आउट विद ए नंबर ऑफ मैंगो लेब्रोनम हिबिस्कस एंड कोरल टी सैपलिंग, फिर हम लोग अपने साथ में मैंगो के हिबिस्कस के कोरल ये सभी प्लांट्स को वगैरह को लेकर तैयार थे, एंड कटलिंग्स एंड स्पेंड द बेटर पार्ट ऑफ ए डे प्लांटिंग देम ऑन द लिटिल आइलैंड, और अपना एक अच्छा दिन उसमें पूरा लगा चुके थे उनके साथ में उस छोटे से आइलैंड पर, वी मेड वन मोर विजिट टू द आइलैंड बिफोर द मानसून फाइनली सेट इन, हमने एक बार फिर से विजिट करी जब मानसून आने को तैयार थे उससे पहले, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स लुक क्वाइट हेल्दी, अधिकतर प्लांट हमें बहुत हरे भरे नजर आ रहे थे, द मानसून सीजन इज द बेस्ट टाइम फॉर ट्रैवलिंग अबाउट, जो मानसून सीजन होता है वो सबसे अच्छा समय माना जाता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, एट एवरी टर्न देयर इज समथिंग न्यू टू सी, और शायद हर कदम पर यहाँ पर कुछ नया था देखने के लिए, आउट ऑफ अर्थ एंड रॉक एंड रिफ्रेश वो द मैजिक टच ऑफ द समर रेन ब्रिंग्स फोर्थ न्यू लाइफ एंड वर्जन, कि जब बारिश आई तो इसके एक जादुई स्पर्श ने कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चमत्कार दिया, यू कैन ऑलमोस्ट सी द ब्रॉड लीव वाइंस ग्रोइंग, आप यहाँ देख सकते हो कि चौड़े चौड़े पत्ते की बेल यहाँ पर ग्रो होती हुई, प्लांट्स स्प्रिंग अप इन द मोस्ट अनलाइकली प्लेसेस, प्लांट्स उस जगह फैले जहाँ पर ये प्लेस जो था वो अनलाइकली था, अ पीपल टुक रूट ऑन द रूफ, कि एक पीपल जो लोग मतलब जो लोग पीपल का पेड़ होता है उसको रूफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैंगो स्प्राउटेड ऑन द विंडो सिल, माई फादर सेड आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमूव दैम, और इसी तरीके से उन्होंने कहा मैंगो का जो है वो इसका भी यूज़ किया जाता था, तो मेरे पिता ने कहा कि मैं कभी नहीं चाहता था कि इन ऐसे पेड़ों को हटाया जाए, बट दे हैड टू गो इफ द हाउस वॉज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग डाउन, तो मेरे पिता की अगर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें बचना है तो भाई घर को बचाना है तो उन्हें इसको गिरने से पेड़ को हटाना होगा, इफ़ यू वॉन्ट टू लिव इन ए ट्री, अगर आप भी पेड़ पर रहना चाहते हैं तो दैट इज़ ऑल राइट बाई मी, तो ये मेरे अकॉर्डिंग ठीक होगा, मेरी मदर ने कहा।
बट आई लाइक हैविंग ए रूफ ओवर माई हेड, लेकिन मुझे तो अपने ऊपर एक छत चाहिए, एंड आई एम नॉट गोइंग टू हैव इट ब्रॉट डाउन बाई हैंगिंग फॉरेस्ट, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं कर सकता कि फॉरेस्ट को तबाह करके. ऑलरेडी आई कैन सी रूट्स ब्रेकिंग इन थ्रू द सीलिंग्स, मैं देख चुका था जड़ों को टूटते हुए उस छत से. द विजिटिंग रूट्स वर केयरफुली रिमूव, उसके बाद जो विजिटिंग ट्रीज थे उनको आसानी से मतलब हटाए गए, एंड ट्रांसप्लांट इन द गार्डन, उसके बाद उनको गार्डन में लगाया गया. वेन एवर वी केम इनडोर्स फ्रॉम अवर गार्डनिंग एंड सेट डाउन टू ए मील, जब हम अपना काम खत्म करके गार्डनिंग का और अपने अंदर आकर बैठे और भोजन के लिए खाने के लिए बैठे, तो ए लेडी बर्ड और ए कैटरपिलर वुड इनवेरिएबली वॉक ऑफ अवर स्लीव्स एंड वेंडर अबाउट द किचन, तभी ये कैटरपिलर आकर हमारे पास आया और हमारे किचन के आसपास घूमने लगा. मच टू मदर एनॉयंस, जानता था वो मदर के गुस्से को. देयर वर फ्लावर्स इन द गार्डन, क्योंकि फ्लावर्स भी हैं गार्डन में. माई मदर लव्ड फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, मेरी मदर को खुशबू वाले प्लांट्स अच्छे लगते थे, लाइक रोजेज एंड स्वीट पीस, यानी गुलाब के, स्वीट पीस के, जैस्मिन के, क्वीन ऑफ द नाइट के. बट माई फादर एंड आई फाउंड ट्रीज मोर एक्साइटिंग, लेकिन मेरे पिता को और मुझे पेड़ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगते थे. दे कैप्ट ग्रोइंग एंड चेंजिंग एंड अट्रैक्टिंग बर्ड्स एंड अदर विजिटर्स, कि उन्होंने कहा कि ये जो पेड़ होते हैं ग्रो करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और साथ के साथ पक्षियों को या दूसरे विजिटर्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. द बैनियन ट्री रियली केम टू लाइफ ड्यूरिंग द मानसून, और बर्ड के पेड़ पर जो जीवन आता है वो मानसून के समय में आता है. द ब्रांचेज वर थिक विद स्क्रैटले फिक्स, और जो ब्रांचेस थी वो भरी हुई थी एक फिक्स वगैरह से, यानी अंजीर. वी कुड नॉट ईट द वेरीज, तो उन्होंने कहा कि हम लोग उन वेरीज को खा तो नहीं सकते थे, बट द मैनी वर्ड्स दैट इज गैदर्ड इन द ट्री, गॉसिपी रोजी पेस्टर, स्क्वायरल्स ऑफ मैनास, चीयरफुल बुलबुल्स एंड कॉपर स्मिथ, एंड समटाइम्स ए नोइजी बुलिंग क्रो वुड फीस्ट ऑन देम. उन्होंने कहा कि हम इन वेरीज को खा तो नहीं कर सकते जो इन पर लगी हुई हैं, लेकिन बहुत सारे पक्षी यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, आपस में बात करते हैं, चाहे वो झगड़ालू मैना हो, चाहे वो खुश रहने वाली बुलबुल हो, या फिर कॉपर स्मिथ हो, या फिर कई बार जो चिल्लाने वाला क्रो होता है वो यहाँ पर आते हैं और इनको खाते हैं. एंड वेन नाइट फेल, और जब रात होती है, एंड द वर्ड्स वर रेस्टिंग, जब पक्षी आराम कर रहे होते हैं, तो द डार्क फ्लाइंग फॉक्सेज फ्लैट हैवली अबाउट द ट्री, तो जो डार्क फ्लाइंग फॉक्सेज होते हैं वो यहाँ पर फड़फड़ाते हैं पेड़ पर, चुइंग एंड मंचिंग लाउडली एज दे क्लाइंबर्ड ओवर द ब्रांचेज, पेड़ पर चढ़ने के बाद में, यानी आवाज़ तेज तेज निकालते हैं और फल वगैरह खाते रहते हैं. द ट्री क्रिकेट्स वर ए बैंड ऑफ विलिंग आर्टिस्ट, तो जो ट्री क्रिकेट्स होते हैं, ट्री क्रिकेट्स का मतलब होता है झिंगुर, एक ग्रुप होता है ऐसे विलिंग आर्टिस्ट का, हु वुड स्टार्ट सिंगिंग एट मोस्ट एनी टाइम, जो हमेशा तैयार रहते हैं गाना गाने के लिए किसी भी समय दिन के. एट द हाइट ऑफ द मानसून, और जब मानसून अपनी पूरी ऊंचाई पर होता है, द वेनन ट्री वॉज लाइक एन ऑर्केस्ट्रा, कि जो वेनन का बरगद का पेड़ होता है वो एक ऑर्केस्ट्रा के समान होता है, विद द म्यूजिशियन कंस्टेंटली ट्यूनिंग अप, जहाँ पर म्यूजिशियन लगातार काम करते रहते हैं. अ स्मॉल फ्लूट इन माई हैंड, एक छोटी सी बांसुरी मेरे हाथ में, आई वुड एड माई श्रिल पाइपिंग टू दैट ऑफ द क्रिकेट्स, कि मैं हमेशा उस पाइप को लेकर जो क्रिकेट्स या क्रिकेटर्स जो इंसेक्ट थे उनके साथ में जुड़ जाती थी. बट दे मस्ट हैव थॉट पुअरली ऑफ माई पाइपिंग, लेकिन वो अच्छी तरीके से जानते थे मेरी पाइपिंग के बारे में, बिकॉज वैन एवर आई प्लेट, जब क्योंकि जब कभी मैं उसको चलाती थी, कि समझ जाते थे कि ये मैं चला रही हूँ. द इंसेक्ट फेल साइलेंट, तो पक्षी शांत हो जाते थे. वैन आई ग्रू अप, जब मैं बड़ी हो गई, आई वॉज मैरिड, मेरी शादी हो गई, एंड वेंट टू लिव विद योर ग्रैंड फादर इन बॉम्बे, और मैं शादी होकर यहाँ पर आ गई. वी वर देयर फॉर मैनी ईयर्स, हम वहाँ पर बहुत साल रहे, एंड आई कुड स्टिल विजिट माई पेरेंट्स हेयर वंस और ट्वाइस इन ऑल दैट टाइम, मैं केवल एक या दो बार ही अपने पेरेंट्स से विजिट करने जा पाई. आई हैड नो ब्रदर्स, मेरा कोई भाई नहीं है, सो वैन माई पेरेंट्स डाइड, इसलिए जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई, दे लेफ्ट द हाउस टू मी, तो वो घर वो उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया. इट विल बी योर्स, और ये भी तुम्हारा हो जाएगा एक दिन. वुड यू रैदर लिव हेयर और इन दैट पोकी लिटिल हाउस इन द हाउन, क्या तुम उस वाले घर में रहोगी या फिर जो शहर में बसा हुआ है उस घर में रहोगी. हेयर सैड कोकी, कोकी ने पूछा, बट ओनली इफ़ यू आर हेयर टू, लेकिन अगर आप हैं हमारे साथ में ग्रीनी, द ट्रीज विल बी हेयर, तो पेड़ भी यहीं रहेंगे. ग्रीनी ने कहा, एंड वॉट अबाउट द आइलैंड, फिर आइलैंड का हुआ क्या, आस्क कोकी, कोकी ने पूछा. द ट्रीज यू प्लांटेड विद योर फादर आर दे स्टिल हेयर, कि जो प्लांट आपने अपने पिता के साथ लगाए थे आज भी वहाँ पर हैं. यू कैन सी दैम फॉर योर सेल्फ, तुम इन्हें खुद ही देख सकती हो, इफ़ यू फील लाइक ए वॉक, अगर तुम चलकर देखना चाहो. बट आई विल टेल यू वॉट आई फाउंड, लेकिन मैं तुम्हें बताऊँगी मुझे क्या मिला. वैन आई केम टू लिव हेयर अगेन, जब मैं यहाँ पर दोबारा आई, आफ्टर 20 years और मोर, 20 साल बाद या 20 से ज़्यादा साल बाद, आई वॉकड आउट ऑफ द ओल्ड हाउस, मैं फिर घर पूरे घर से पुराने घर से बाहर निकली, एंड टुक द सेम पाथ दैट माई फादर एंड आई यूज टू टेक ड्यूरिंग अवर वॉक्स, मैंने फिर वही रास्ता चुना जो मैं अपने पिता के साथ में यूज़ करा करती थी पैदल चलकर. इट वॉज फरवरी, फरवरी का महीना था, आई रिमेंबर, मुझे याद है. एंड एज आई लुकड अक्रॉस द ड्राई रिवर बेड, जैसे ही मैंने उस सूखी नदी की तरफ देखा, माई आईज वॉज इमीडिएटली कॉट बाई द स्पेक्टुलर रेड प्लम्स ऑफ द कोरल ब्लॉसम्स, तो मेरी आँखें तुरंत उस
अचंभित करने वाले जो बेर थे उनकी तरफ गई। इन कंट्रास्ट टू ड्राई रिवर बेड द आइलैंड वॉज ए स्मॉल ग्रीन पैराडाइज। उस इसके विपरीत में जो सूखी नदी थी, जो उसी के बीच में जो आइलैंड था, वो एक छोटा सा हरे रंग का स्वर्ग समान नजर आ रहा था। व्हेन आई वॉक्ड ओवर टू द ट्री, जब मैं पेड़ों के पास गई, आई नोटिस दैट, मैंने नोटिस किया कि नंबर ऑफ पैरट्स हैड कम टू लिव इन दैम, कि बहुत सारे तोते यहाँ पर आ चुके हैं रहने के लिए। अ स्मॉल स्पॉटेड डियर स्कैम्पर्ड अवे टू हाइड इन अ थिकेट, और एक छोटी सी डियर थी जो कहीं भागकर दूर कहीं छुप गई थी। एंड ए वाइल्ड फीसेंट चैलेंज मी, तभी एक जंगली फीसेंट ने मुझे चैलेंज किया विद ए मेलो, यानी एक साउंड के लिए, कि हु आर यू, बट द ट्री सीम टू नो मी, लेकिन पेड़ मुझे लगता था मुझे जानते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे पक्षी, लेकिन वो मुझे जानते थे पेड़। आई एम श्योर दे विस्पर्ड एमंग देमसेल एंड बैकऑन मी नियरर, फिर मैंने देखा कि वो किस तरीके से आपस में बात करने लगे और मेरे फिर नज़दीक आ गए। आई रेन माई हैंड्स ओवर देयर बाग्स एंड इट वॉज लाइक टचिंग द हैंड्स ऑफ द ओल्ड फ्रेंड, फिर मैंने तो आगे आते हुए अपने हाथों को आगे बढ़ाया, उनके बाग्स को छुआ, और ये ऐसा टच था जैसे लगा कि हम पुराने मित्र जो हैं आपस में आज मिल गए हों। एंड लुकिंग अराउंड, उसके बाद चारों तरफ देखा, आई नोटिस दैट, मैंने नोटिस किया कि दैट अदर स्मॉल ट्रीज एंड वाइल्ड प्लांट्स एंड ग्रासेस हैड स्प्रंग अप अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ दोज दैट वी हैड प्लांटेड देयर, फिर मैंने देखा कि दूसरे जो प्लांट्स थे, जंगली प्लांट्स वगैरह, ये घास थी, वो यहाँ पर मतलब ग्रोथ कर चुकी थी जो प्लांट हमने लगाए थे उनके प्रोटेक्शन में। द ट्रीज हैड मल्टीप्लाइज, पेड़ों की संख्या बढ़ चुकी थी। द फॉरेस्ट वाज ऑन द मूव, इसका मतलब जो जंगल था हमारा वो पूरा मूव कर चुका था। इन वन स्मॉल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के एक छोटे से हिस्से में, माई फादर्स ड्रीम वॉज कमिंग ट्रू, मेरे पिता का सपना सच हो रहा था। एंड ट्रीज वर्थ वॉकिंग अगेन, और पेड़ जो थे फिर दोबारा से वॉक कर रहे थे। थैंक यू।